Easily get 3 star in 2013 challenge. Welcome back to the second challenge of 10 years of Clash. And after complete the all of them, you will get the free scenery and other magic items. Subscribe this channel for complete the all of them. For easily get a 3 star in 2013 challenge, ये गोलेम वाला चैलेंज है, तो इसमें हमें दो गोलेम्स को यूज करना है पहले आर्चर टावर के पास, एक यहाँ एक यहाँ, फिर 5 विजार्ड्स को यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेम उस साइड भी दो गोलेम्स को यूज करना है, एक आर्चर टावर के पास एक कैनन के पास, एंड सेम 5 विजार्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन फिर 1 पीका को यूज करना है कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ पर टेस्ला टावर है इसलिए। फिर जब कैनन खत्म हो चुका है उसके बाद हमें ग्रीन स्पेल यूज करना है ताकि गोलेम और जो हमारा पीका है वो आसानी से अंदर जा सके, और फिर बीच में जो बो की साइड है वहाँ पर ब्लू स्पेल यूज करना है ताकि हमारी आर्मी बूस्ट हो जाए, और एक और विजार्ड छोड़ना है ताकि जो सीसी में से जो निकला है वो आसानी से ख़त्म हो सके। देन फिर हमें हमारी रेनफोर्समेंट छोड़ना है ताकि उसमें का जो एक पीका है वो अंदर घर की साइड आकर सब कुछ फिनिश हो जाए वहाँ का, उनका डिफेंस आर्मी है। एंड देन अगेन ग्रीन स्पेल फॉर बो के लिए ताकि आसानी से अंदर, क्योंकि वहाँ पर टेस्ला टावर्स भी हैं। देन हमारे पास 2 आर्चर बची है, वो हमें कोने में यूज़ करना है साइड में। तो ऐसे ही खास ये थोड़ा इरिटेटिंग बेस है इन पूरे 10 में से, क्योंकि ये थोड़ा शायद मेरे हिसाब से ये मुश्किल होता है अला बेस को क्लियर करना, क्योंकि काफ़ी ट्राई करना पड़ता है इसमें। तो ऐसे ही कुछ था, लेकिन दिस ट्रिक के साथ इजीली गेट 3 स्टार गाइस। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेट ऑल ऑफ देम, कंप्लीट ऑल ऑफ देम एंड गेट फ्री सीनरी एंड अदर मैजिक आइटम्स। तो अगला चैलेंज 2014 वाला चैलेंज है, वो कल आएगा इसी टाइम पर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।